धरों धरा पर पुन पुन सीसा जी पुन बंदों बार 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 जग जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए जय दिठे मन धीरिय किल विख वंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया भरपूरे सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी रास अठवीं चली एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह अथ अष्टम रास कथनं दोहरा जिस बिन जाने बृंद दुख जाने आनंद बिलंद पार ब्रह्म परमात्मा बंदों जुग कर बंद परम सम्मान आवर साहिबे कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा ज्योत रूप हर आप मेहमान दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलांच विराजमान गुरु प्यारी सात संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारयां दे सिर ते मरहमत मई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शाम अजीजुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे मुबारक कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी दी अथा कृपा दृष्टि सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रह रास आरती अरदास ते फिर सदाए खास महाराज जी दे हुक्मनामे आपने झोली च पाए हन कुछ समा होर मेहमान दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते अकाल पुरख दी दरगाह तों लिया के अकाल तखत संसार ते प्रगट करन वाले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे जीवन प्रसंग अमृत जीवन कथड़ियां राहीं
गुरु इतिहास, गुरु विचार, गुरु दीदार दा बायस बन सके। एकाग्रता अदब दे आनंद दी दात चौड़ी पै सके। इसलिए जितने माता प्राता हाजरीन हाजरी भर रहे हो, इस तरह छोटी जी ध्यान साधना है, दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दिआं नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण कमलां ते टिकिआ है। ते साहिब जिया ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिआ होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदिआं चरण चुमदिआं होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक सरवण करदिआं इतना प्रेम सहित आपने सरवण किया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज करतारपुर विच आप पधारे हैं, निवास किया है। तमाम संगतां दे नाल महाराज जी दे घर विच रौनकां बनियां होईयां हन। जो जो भावना लै के आए ने सब दियां महाराज पूरियां कर रहे हैं। पेंदे खान भी पहुंचया बहादुर बाबा विधि चंद जी दे कोलों सारा वार्तालाप पुछया ते आख्या मैं उत्थे नहीं सी वरना महाराज नूं जंग विच जाना ना पैंदा। मेरे विच बल बड़ा ज्यादा है, मेरे नाम तो ही सूरमे कंबदे ने। इतिहादक उन्होंने अपने बल दियां अपने सौरिया दियां गाथावां अपने मुँह ही सुनाईया। बहादुर बाबा विधि चंद जी आखन लगे तुसी ठीक कहंदे होगे पर बुलाउणा ना बुलाउणा ये तां सतगुरु दी मर्जी है, जिसनूं चाहण बुला लैण ना चाहण ना बुलावण। फिर महाराज जी नूं इसने मत्था टेकिया, महाराज मैं थोड़े चरणां च हाज़र होया। महाराज जी ने सुख शांत पुछी आखण लगा मैं थोड़ी किरपा नाल सदा ही ठीक हाँ। महाराज तुसी मैनू उत्थे जंग विच सेवा करन दा जौहर दिखाण दा मौका नहीं दिता। महाराज कहन लगे कोई गल नहीं पेंदे खान, अजे अगे जंग चलना है, जंग मचेगा ते सूरमियां दी खून दी फुहार दे नाल खून दी नदी नाल सारा धरती का गर्दा चिकड़ बन जाएगा। उदों तुसी भी तू भी कम आ जाएगा। महाराज जी ने कहा तो फिर खामोश हो गया पेंदे खान भी उस गर्दे विच किते मेरा खून भी ना मिल जाए तो मैं भी उस चिकड़ विच ही चिकड़ ना हो जावा। फिर अगों कोई गल आखी नहीं, बोल नहीं सकिया। इतों तक आप जी ने सरवण किया। फिर भाई संतोख सिंह जी ने कथा सुन का महत्व दसिया। इस तरह सतवीं रास संपूर्ण हुई तो अठवीं रास प्रारंभ हुई, जिस विच सब तो पहला पार ब्रह्म परमेश्वर की महिमा, उसका स्वरूप, उसका सुभा जो गुरु नानक देव महाराज जी ने बाणी दे मुढ़ दर्ज किया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह।
पार ब्रह्म परमेश्वर एको ही है ते सतगुरु की कृपा नाल मिलता है। तो ये कोई ना सोचे भावें जंग विच उसनू जित प्राप्त होई होवे, ये ना सोचे भई मेरी जित है कि मैं जित गया, इलेक्शन विच मैं जित गया, जंग विच मैं जित गया, कारोबार च मैं जित गया, मुकदमे च मैं जित गया। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी कहते ने भावें किसी तरह की कोई फतेह प्राप्त होई है, ये किसी की नहीं होंगी, ये श्री वाहेगुरु जी की फतेह होंगी है। परमात्मा ही फतेह किसी नूं दिंदा है, अपनी फतेह नहीं होंगी। इसलिए जब पंगाणी का चंग युद्ध जित के महाराज श्री पौंटा साहिब पधारे तो बड़िया वधाइया मिलिया, नाले बाबा साहेब अजीत सिंह जी दे जन्म दियाँ, नाले वड्डी जंग पहली जितण दियाँ। बार बार संगतां ने महाराज नूं वधाइयां दित्तियां, महाराज बहुत वधाई, जंग जितया गया, थोड़ी बड़ी तकड़ी जित होई है, अगों ये पहाड़ी राजे थोड़े वल सीधा मूँह नहीं करनगे। तो महाराज सच्चे पातशाह ने इस तरह दोवें हाथ जोड़ के नेत्र बंद करके ते मस्तक चुका के पार ब्रह्म परमेश्वर नू नमस्कार कर दिया होया ये बोल आखे, भई जीत मेरी कृपा काल केरी, वाहिगुरु जी की फतेह है। फतेह देने वाला ये बच्चे थोड़ा पिछे कर दो, जो खंघ रहा थोड़ा पिछे कर दो। एक बारी सारे आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। श्री वाहेगुरु। गुरुदेव पातशाह जी दे ये महाबोल भाई साहब जी ने सब तो उत्ते रखे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरु नानक देव जी दे बोल, श्री वाहेगुरु जी की फतेह, गुरु कलगीधर जी दे बोल। इस ढंग दे नाल अथ अष्टम रास कथनंग कहिंदे ने हुण अठवीं राशि जिहड़ी है इस महान गुरु इतिहास ग्रंथ गुरप्रताप सूरज दी ये हुण बयान करन लगे हैं। सब तो पहले इस देव अकाल पुरख का मंगल है। पुराने आदि काल तो एक लेखक लिखारियां दी ऋषियां दी एक परंपरा रही है, जद भी कोई काव्य रचना करते ने तो सब तो पहला मंगलाचरण करते ने। मंगलाचरण या करते रहे सरस्वती दे उसनू बुद्धिदाता प्रवान किया, और या मंगलाचरण करते रहे गणेश जी दे उन्होंने सिद्धिदाता जड़ा वो प्रवान किया। जपजी साहब विच भी महाराज जी ने ऐ सारी बाणी जिधरे मंगलाचरण आए ने वो किसी होर दे मंगलाचरण नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर दे मंगलाचरण ने, उही सिद्धि दाता है, उही बुद्धि दाता है। इसलिए भाई साहब जी ने बड़ा सोहना लिखिया है, सरवण करिए पेशतर आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। दोहरा जिस बिन जाने बृंद दुख जाने आनंद बिलंद। भाई साहब कहंदे ने जिस नूं जानन तो बिना जिंदगी दुखा नाल भरी रहिंदी, पार ब्रह्म परमेश्वर नूं जानन तो बिना। थोड़ी जी आवाज़ इहदी उच्च कर दो। इत्थे जानन तो भाव यह नहीं है भाव कि उसनों कोई पूरा जान सकता है या कोई बयान सकता है, बस उस बारे इतना जानना कि उस तो बिना होर कोई नहीं है। सारियां क्रियावां करता पुरख आप कर रहा है, आप जीवालदा, आप मारदा, आप पालदा, आप संभालदा, उस बिना कोई क्रिया नहीं।
जैसे महान सूफी संत समस्त तबरेज़ दे दो बोल ने, वो कहने खुदा मैं नहीं जानता तू की हैगा है, मन ना दानम तो के हस्ती, तेरी कितनी वड्डी हस्ती है, तेरी कितनी वड्डी होंद बल ते समर्था है, इस बारे ते मैं नहीं जान सकता। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बोल, जत्र तत्र दिशा विशा होए फैलियो अनुराग, प्रेम रूप होके सब पासे वो विराजमान है, इतना जानिया जा सकता है, पर तू कितना है, कितों तक है, तेरा आद अंत की है, ये जानिया नहीं जा सकता। वड़े मेरे साहबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, तेरा पारला बन्ना तेरा किनारा तेरा शोर तेरा आखिर की है, कोई जान ही नहीं सकता। महाराज गुरु नानक देव जी दे बोल, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाए, जेते बड़ो ज्ञानी तेनों जानी पे बखानी ना है, वो बख्यान नहीं कर सके कितना वड्डा है, फिर जानना की होया। फिर दोहराना चाहता हाँ समस्त अवरेजी दे बोल, मन न दानम तो के हस्ती, पर इतना जानदा के हर के हस्ती तो अस्त, हे खुदा ए मैनू नहीं पता तेरी कितनी वड्डी हस्ती है, पर मैं इतना जानदा तेरे बिना हस्ती कोई नहीं, तेरे बिना कुछ होंदा नहीं, तेरे बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तेरे बिना कोई खेड वर्दी नहीं है। जिस बिन जाने ब्रिंद दुख, जिसनू इतना जानन तो बिना भई सारे परमात्मा है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिंद नहीं कोई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी महाराज जी दी बाणी परमात्मा दी व्याख्या नहीं करती, परमात्मा दी बेअंतता दी व्याख्या करती है कि वो बेअंत है, वो बेअंत है, उदा अंत नहीं कोई। अंत ना पावत देव सर्ब है, फुन इंद्र महा शिव जोग करी, फुन वेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप ना छाड़ एक करी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे तरी। ये नहीं बयान हो सकता कि कितना वड्डा है, की कर सकता है, पर इतना बयान किया है उस तो बिना कुछ हो नहीं सकता, करदा आप ही है, खेड सारी आप ही वरतौंदा है। जे इतना ना जानिया जाए तो फिर सदा जीवन दुखा नाल भरिया रहिंदा है। जिस बिन जाने ब्रिंद दुख, दुख ही दुख जिंदगी विच रहिंदे हन। पार ब्रह्म परमात्मा बंदो जुग कर बंद, जिस बिन जाने ब्रिंद दुख जाने आनंद बिलंद, ते जान लईए कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो बहुत वड्डा आनंद प्राप्त होवेगा, बहुत वड्डी खुशी खेड़ा और प्रेम प्राप्त होवेगा। पार ब्रह्म परमात्मा बंदों जुग कर बंद, उस पार ब्रह्म परमेश्वर नूं मैं दोवें हाथ जोड़ के वंदना करता हाँ। हाँ जी, सर्वोत्तम जन सर्वदा सर्व पर जस चार। और इस तरह दे नाल भाई साहब जी ने कवि मर्यादा दा संकेत मर्यादा दा मंगल भी किया है। चंद्रमा बदन वारी उज्जल रदन वारी, बिघन कदन वारी दाती है शरण की, चंपक बरण वारी कविता बरण वारी, सुष्ट बरण वारी उर्मै धरण की, कुंडल करण वारी सुमत करण वारी कमल करण वारी, गति है करण की लोचन हरण वारी, दरन अरण वारी देशन हरण वारी, और इस तरह दे नाल महिमा चरण की। उन्होंने इस तरह जड़ी है सरस्वती दे मंगल किते हन, पवा पै हरा भव परी, बली बाहो सम शेर
हाथ जोर बंदना बर कर हाँ शमशेर। ये सारे करके ते फिर कहते ने इन्ह सारिया तो सर्वोत्तम ते सर्वदा सबनों दाता देने वाला भाव सारिया शक्तियां तो सर्व उत्तम। सर्वोत्तम का मतलब सब तो उत्तम, जिस वर्गा होर कोई नहीं है। इन्होंने गुरु नानक देव जी नूं परमात्मा नालों भी उत्तम किया, फर्क तो कोई नहीं। गुर परमेसर एको जा पार ब्रह्म जिहड़ा परमेसर है वह सारिया तो वड्डा है, सब का गुरु है। अपरंपर पार ब्रह्म परमेसर नानक गुर मिलिया सोई जियो। गुर परमेसर एको जान फर्क कोई नहीं है, तो फिर गुरु नानक नूं वड्डा क्यों आख दिता? सा संगत इस करके आख दिता बई वो जिहड़ा सारे जोत रूप हो के बल रूप हो के परम अमर अद अजर ते हुकम सत्ता रूप हो के सारे ब्रह्मांड विच फैल रहा वो दिखाई नहीं पैंदा, पर गुरु नानक दिखाई पैंदे ने। है ते उही परमात्मा पर वो दिखाई पै रहा है। इसलिए सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जिवें सारियां तारां विच बिजली तो हैगी है, पर जिथे लाइट जल रही उत्थे दिखाई पै रही, पखा चल रहा हवा दिखाई पै रही। यह सारा सिस्टम यह टेलीकास्ट सिस्टम भावें ब्रह्मंड दियां तरंगां विच इत्थों सुट दिता जांदा है ते समा जांदा है, पर जिथे टीवी सैट होंदा उत्थे दिखण लग पै। इसलिए उसदी महानता है। सारी धरती विच जल है पर खूह विच प्रगट हैगा, इसलिए उसकी महानता है। पार ब्रह्म परमेश्वर जर्रे जर्रे च रिशम रिशम विच कतरे कतरे विच विराजमान है, पर गुरु नानक रूप विच प्रगट हो के आया। इसलिए आप कहते ने सर्वोत्तम जन सर्वदा सर्व उपर जस चार, ते तमाम देवी देवत्यां तो गुरु नानक दा जस भी सर्वोपरि महान है। ते चार दा मतलब सोहना है, चार दा मतलब चार युगां विच है, चार दा मतलब साडा जीवन आचार। गुरु नानक दा जस गाउण नाल सर्वोपरि हो जा, बड़े गहरे अर्थ हैं। हाँ जी, जग गुर श्री नानक नमो धरनी पर सिर तार। इसलिए जिहड़ा गुरु नानक सर्वोत्तम है, जिसका जस गाउण नाल बंदा सर्वोत्तम जीवन अख्तियार कर लैंदा है, उस गुरु नानक देव महाराज जी दे मैं श्री चरण कमलों ते नमस्कार करदा हाँ, ते अपना सिर जमीन ते रखदा। धरनी पर सिर धार, जमीन ते सिर रख के मैं गुरु नानक देव जी नूं मत्था टेकदा। सत संगत जितनी देर सिर पैरां दे लैवल ते ना ना आ जाए उन्नी देर मत्था टेकिया भी नहीं जाता, समाधि लीनता भी नहीं बनती। सिर दा पैरां दे लैवल ते आउणा कुदरती, उस समान ताते आउणा बड़ा जरूरी है। मैं अर्ज करां भावें तुसी देखे ट्रेन में जहाज में सफ़र करदिया बंदा बैठा भी सुता रहिंदा है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, पर घर आ के फिर भी कहिंदा है मैं थकिया होया, सफ़र करके चक्कर चढ़े हुए। कौन दसे बैठिया तू सुता तां सी, आराम तां हो गया, पर असल गल ये है जिन्ना चिर सिर पैरां दे लैवल ते ना आ जाए उतनी देर तक आराम नहीं आता, भावें बंदा सुता ही हो। सिर दा पैरां दे लैवल ते आया ही साडा पूर्ण आराम आता है। ते बिल्कुल इस तरह साडा सिर गुरु नानक दे चरणा ते आ जाए ते फिर पूर्ण समाधि लगती है, मन दा आराम आता, मन दा सुख प्राप्त होता है, टिकाओ प्राप्त होता है। इसलिए गुरु नानक देव जी दे चरणा ते नमस्कार,
मैं अपना सिर जमीन ते रख के करता हाँ। श्री अंगद रब ज्ञान के तिमर विकार विनाश। बहुत सोहना भाई साहब लिखते ने। फिर दूसरा जामा गुरु अंगद देव जी महाराज, उन्होंने आपने ज्ञान दे सूरज आख्या। भाव जैसे भावें करोड़ा चिराग जलाइए, सूरज तो बिना दिन नहीं ना चढ़ता। एक अनुमान मुताबक सारी दुनिया ते जिहड़ा रात नूं बिल आउंदा है ना बिजली जगाउण दा, इह कोई 7 अरब डॉलर आउंदा है सारी दुनिया। इह डोमैसटिक है, इह कोई कमरशियल नहीं है का। जिहड़ा घरेलू वरतों विच आ बल्ब जगा लिया, पखा चला लिया, सिर्फ बल्ब बल्ब दा, पखे दा भी कम नहीं है। कोई 7 अरब डॉलर हर रोज़ बिजली का बिल आ जाता, एक अनुमान है। पर सात संगत 7 अरब डॉलर खर्च के भी रात को दिन तो नहीं ना बनाया जा सकता। दिन तो सूरज नाल ही बनता ना, बिल इहदा कोई नहीं। पर दिन साडा सूरज नाल बनता है। बिल्कुल इस तरह भावें दुनिया ते बड़े विद्यालय, भावें बड़े स्कूल ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटियां ने, सब चानण दे रही ने ज्ञान दी, पर हिरदे दी रात नू दिन कोई नहीं बना सकता। बड़े बड़े पढ़े लिखे चोरियां करदे, डकैतियां पाउंदे, कतल करदे ते नशे करदे देखे जा सकते। बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग, उन्हां दी शाम शराब नाल प्रारंभ होंदी है। इहदा मतलब है कि अंदर अनेरा ही है, बाहर दी विद्या ने अंदर चानण नहीं किया। चिराग जल गया, रोटी कमाण तक दा साधन बन गया, पर आत्म जगत विच अनेर दा नाश करन वाला जे कोई है ते गुरु अंगद देव महाराज। इसलिए आपने उन्हां नूं ज्ञान दा सूरज किया। श्री अंगद रब ज्ञान के तिमर बेकार विनाश, केड़ा अनेरा नाश कर देंदे ने। आप कहंदे ने अनेरा विकारां दा, हंकार दा, विकार दा, आसा, तृष्णा, वासना इत्यादक अंधकार गुरु अंगद देव साहिब दूर करदे हन। पद अरविंदन बंदना की जय सुमत प्रकाश। हे गुरु अंगद देव जी महाराज, मैं आप जी दे चरण कमलां ते वंदना करदा, चरणां ते शीश रखदा हाँ। मेरे हिरदे विच मत दा नहीं सुमत दा चानण कर दिओ। सोहणी मत, सोहणी सोचण वाला हिरदे दा बहाव बन जाए। कीजे सुमत प्रकाश, मेरे हिरदे विच विकारां दा अनेरा नाश करके ते महान सुमत गुरमत दा प्रकाश कर देवो। हाँ जी। श्री सतगुर बर अमर जी भगत ज्ञान दे दान। श्री गुरु अमरदास महाराज जी, तुसी बहुत वड्डे दानी, थोड़े वर्गा दानी कोई नहीं है। तुसी भगती दा ब्रह्म ज्ञान दा दान देंदे हो। आप मेरी झोली विच दान पा दिओ। जाहर करे जहान जन नमस्कार तिन ठान। मैं आप जी दे चरण कमलां ते नमस्कार करदा हाँ। तुसी भगती ते ब्रह्म ज्ञान दा दान दिंदे, ए वड्डे दानी हो आप। सूरज सोडी बंश के विदत सकल जग जोए। फिर गुरु रामदास महाराज जी नूं याद करदे, उन्हां दे श्री चरण कमलां दा ध्यान करदे ने। कहंदे ने आप सोडी बंश दे सूरज हो ते सारे जगत विच विदत हो, थोड़ी शोभा सारे संसार ते है। नमो चरण पर नित करो रामदास गुर सोए। ए गुरु रामदास महाराज शोभा दे मालक, सोए दा मतलब है शोभा, वड्याई दे मालक गुरु रामदास जी महाराज। मैं थोड़े चरणा ते नमस्कार कर, चरणा ते शीस रखदा हाँ। अजर जरन धीरज तरन
तारन जनन जहाज। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी का ध्यान कर दे, पंजवा जामा गुरु नानक साहब जी का, बाणी के बोहित तरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जुन प्रतख्या। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी दे चरण कमलों का ध्यान करद्या होया कहते ने तुसी आजार बल नू जरन वाले। कितना कष्ट अपने अपने शीश ते सिया, फिर धीरज धरन ते महाराज सच्चे पातशाह। असल विच लोग धरती नू धीरज वाली कहंदे ने, पर लगदा धरती ने धीरज थोड़े तो प्राप्त की। थोड़े वर्गी धीरज किधरे होर नहीं, अजर जरन धीरज तारन तारन जनन जहाज। ते अपने सेवकां नू संसार सागर तो पार करन लई तुसी जहाज रूप हो। नमो चरण अरविंद को श्री अर्जन सुख साज। सारे सुखां दा सृजन करन वाले, सारे सुखां नू पैदा करन वाले, रिद्धियां सिद्धियां बरकतां झोली च पाउण वाले, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, मैं आप जी दे चरण कमलां ते नमस्कार करदा हां। श्रेष्ठ आयुध धरन मह तुरकन हरण समाज। फिर दल पंजन गुरु सूरमा वट जोधा बहु परोपकारी, सेवें पातशाह जी दा मंगला चरण करदे ते कहंदे हे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, मेरिया पीरिया दे दाते सतगुरु जी तुसी संसार ते श्रेष्ठ आयुध धरन मह, थोड़े वर्गा वधिया हथियार पहनण वाला कोई, थोड़े वर्गे वधिया हथियार किसे दे नहीं, थोड़े वर्गे मारू हथियार किसे दे नहीं, थोड़े वर्गे शक्तिशाली शस्त्र होर किसे दे नहीं। कारण की है, राजा महाराजां दे शस्त्र दूजिया नू नीवा दिखाउण वाले ने, ते थोड़े शस्त्र नीव्या दा माण बनाउण वाले। एक जयकारा होर सारे मिलके भी बुला देओ। मैनू तो लगता है भी कदी कदी थानू जयकारे का चेता ही भुल जाता, पर फिर विचों याद आ जाती, फिर मैं सोचता मैनू ही चेता भुल गया। इन्हों तो याद हैगा है, एक जयकारा सारे होर मिल के बुला दो। महाराज सच्चे पातशाह तुहाडे श्रेष्ठ शस्त्र ने, तुहाडे वर्गे शस्त्र होर किसे दे नहीं। तुरकन हरन समाज ते होमे विच आए हुए तुरकां दे समाज नू नाश करन वाले हो। बंधन ठानो बंद कर हर गोबिंद महाराज। हे गुरु हर गोबिंद साहेब महाराज, राजयां दे राजे, राजन के राजा, महाराजन के महाराज, गुरु हर गोबिंद साहेब महाराज जी, मैं सेवक आप जी दे चरणा ते नमस्कार करता हाँ। दाता भोग दो मुख के दासन सदा सहाय। फिर इस तरह दे नाल तन तन गुरु हर राय साहब जी नू याद कर दे। हक परवर हक केस गुरु करता हर राय, भाई साहब जी दे बोल, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। हे गुरु हर राय साहब जी महाराज, हर राय का मतलब है सारे संसार का हरी राजा परमात्मा, जिस वर्गा होर कोई नहीं है। तो फिर राय का मतलब है राजा, तो हर का मतलब है राजयां दी होमे हरन वाला, होमे दूर कर देन वाला। गुरु हर राय साहब महाराज, तुसी ता सारे संसार दे पदार्थां दे अते मुक्ति दे दाता हो। सहाई जिते याद करिए
उत्थे आ जांदे हो। नमो नमो पग कमल को श्री सतगुर हर राय। हे गुरु हर राय साहब जी, ओ महाराज सर्वोच्च सत्कार दे मालक गुरु हर राय साहब जी महाराज, नमो 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 चरण कमलां ते नमस्कार करदा हां। बाल अवस्था ज्ञान कनु वाह नासक विघन विसाल। हे गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज, देखो गुरु अमरदास महाराज आए, बुढ़ापा पाक हो गया, बुढ़ापे विच भी जुड़िया जा सकता, बुढ़ापा पवित्र हो गया। आप बुढ़ापा अवस्था च आए सन, गुरु नानक बुढ़ापा अवस्था तक रहे ते फिर बाल अवस्था नू भाग लाए गुरु हर कृष्ण साहब जी। बाल अवस्था भी सफल हो गई, तिने अवस्थावां विच गुरु जामे दिखाई पैंदे ने। ते भाई साहब कहंदे ने, हे गुरु हर कृष्ण साहब महाराज, तुसी तां ब्रह्म ज्ञान दे बदल हो। बदल क्या, सोमा नहीं क्या, सागर नहीं क्या, क्योंकि सोमिया ने सीमावां विच दरिया बन के चलना होंदा है, सागरा ने सीमावां विच किनारियां च रहना होंदा है, उदों बाहर नहीं जा सकते। सागर वंडे जा सकते ने, भई ये अरब सागर है, ये जड़ा हैगा ये पैसिफिक है, ये कॉन्टीनेंट है, ये फिर जड़ा हैगा हिंद महासागर है, अरब महासागर है, वंडिया जा सकता है, बंगाल की खाड़ी है, वंडे जा सकते ने, पर बदलों नू वंडिया नहीं जा सकता। कोई कह सकता है भी ये बदल बिहार दे ने, बंगाल च नहीं बरस सकते, ये बंगाल दे ने आसाम च नहीं बरस सकते। बदल सारियां दा सांझा होंदा है ते सब जगह बरस जाता है। इस ढंग दे नाल जिहड़े गुरु साहब नू किसे इलाके नाल या किसे बिरादरी नाल या किसे खास खानदान नाल जोड़दे ने, वो असल विच गुरु दा अपमान ही कर रहे होंदे, सन्मान नहीं करदे होंदे। गुरु ते बदल दी तरह है, बाबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघे नू फुरमान हुआ बरसो किरपा तार। इत्थे मेघ कौन है, जिसनों फुरमान होया वो मेघ गुरु नानक हैगा। बदल दी तरह बरखे ने इलाकियां विच वंडियां नहीं पाईयां, गुरु नानक दे प्यार दा नगारा हरिद्वार विच भी सुनिया गया, गुरु नानक दी मुहब्बत दी नौबत मक्का मदीना भी वजदी हुई दिखाई पई, गुरु नानक जगन्नाथपुरी विच रब्बी आरती दा जिक्र करदे हुए दिखाई पए, ते गुरु नानक पातशाह इत्थे पटने विच असली नाम लाल दा जिक्र करदे हुए दिखाई पए। ऐ सालस राय ताई तां प्रभावित हो गया सी। मैं अर्ज करां, बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ। गुरु नानक बदलां दी तरह गरजे ने ते बदलां दी तरह बरसे ने, इलाकियां तों, बिरादरियां तों, खानदानां तों और फिरकियां तो उच्चे होके, बदल उच्चा होके बरसदा है ना, इस तरह गुरु नानक सब रीतियां रस्मां रवाजां तो फिरकियां तो और ज्ञान विज्ञान दियां सीमावां तो गुरु नानक उच्चे होके बरसे ने। ते गुरु नानक दे उस अठवें जामे दी आप महिमा कर रहे ने, बाल अवस्था ज्ञान कान नाशक बिघन विशाल, ते वड़े वड़े बिघना दे नाश करन वाले हो। चरण सरोजन को नमो श्री हर कृष्ण कृपाल। ये दो शब्दां दा जोड़ हैगा, इहनूं समासी शब्द कहिंदे। एक शब्द दे विच दूजा शब्द समाया होया। कृपा आले शब्द है, वैसे कृपा ते आले, आले दा मतलब है घर ते कृपा दा मतलब है कृपा दा घर, पर ये शब्द विच शब्द समाया होया है, इसलिए शब्द बन गया कृपाल, ते मतलब है वही कृपा दा घर। हे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज, तुसी विशाल बिघना दा नाश करन वाले हो ते विशाल कृपा दा घर हो,
मैं थोड़े चरण सरोजन, सरोज का अर्थ भी कमल हैगा, चरण कमलों ते नमस्कार करदा हाँ जी। देख बहादुर सतगुरु हादर जह सिमरंत, तेग बहादुर सिमरे कर नौनिद आवें ताए, सब थाई होए सहाय। हे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, आप सब जगह हाजर नाजर हो, जिते कोई थानू याद करता है। पग पंकज प्रणाम लिहो परम रूप भगवंत, मेरा चरण कमना ते प्रणाम स्वीकार कर लवो, मत्था टेकया होया कबूल फरमाओ, आप परम परमात्मा रूप हो, जिते कोई थानू याद करता है महाराज आप उत्थे पहुंच जाते। साहिब गुरुदेव जी कुर्बानी देन वास्ते कातल खुद मकतूल दे घर गया, दिल्ली पहुँचना सी चांदनी चौक, पर अपने सेवकां भाई मतीदास भाई दयाला जी भाई सतीदास साहेब जी नू आखण लगे आगरे होके चल दे, आगरा होके चलांगे महाराज जिवें थोड़ी रजा। ए जिहड़ा गुरु का ताल आगरा है, बहुत वड्डा गुरु अस्थान है, दिन रात लंगर चलते ने, ते गुरु की बाणी का जस होंदा है, बहुत प्यारी आत्मा संत बाबा प्रीतम सिंह जी सेवा निभा रहे, सेवा नाल जोड़ रहे ने, सिमरन नाल जोड़ रहे ने। पटना साहिब नू बाई रोड जड़ियाँ संगतां आउंदियां ने, हजूर साहिब नू जांदियां ने, उन्हां दा ये बहुत प्रिय पड़ाव हैगा, हर वेले देसी घ्यो दे मनो दरिया वगदे पए, लंगर तैयार बर तैयार, रिहायशां मौसम अनुसार, ते हर तरह की सेवा चलती पई है। महाराज इत्थे पधारे हन, सिखां नूं फरमाया आगरा हो के चलांगे, महाराज जो तुहाडी रजा, पर दिल्ली तां इस पासे ही है, आगरे क्यों जाना है। महाराज कहण लगे उत्थे कोई आजड़ी याद करदा पिया, एक बारी आखो धन गुरु, एक बारी आखो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, एक बड़ा लोड़वंद जिदा गुजारा भी नहीं चलता, वो भेड़ा चारण वाला आजड़ी सानू याद करता पिया, महाराज वो थोड़ा नाम लैके याद कर रहा है। महाराज कहण लगे उन्हूं तां साडे नाम का पता भी नहीं, पर नाम लैके नहीं याद कर रहा तो किवें याद कर रहा है। महाराज कहण लगे उन्हूं किसे दस्या है भई कोई हुकूमत का बागी है जिहड़ा उन्हूं पकड़ावेगा उन्हूं बड़ा इनाम मिलेगा, इन्ना ही जानता है। तो महाराज कहण लगे भावें उन्हूं साडे नाम का नहीं पता, पर सानू पता वो याद सानू ही करदा पिया, वो पुकार सानू ही रहा है, इसलिए असी उहदे कोल जाना है, ते उहनू इनाम दिवा के उहदा घर पदार्थां नाल भर के ते फिर असी शहीदी देण जाना। महाराज सच्चे पातशाह दा मंगलाचरण करदे ने भाई साहब तेग बहादुर सतगुरु, हादर जय सिमरंत पग पंकज प्रणाम लिहो, अपने चरण कमलां ते मेरा प्रणाम स्वीकार करो, परम रूप भगवंता परम परमात्मा रूप हो। हाँ जी। हिंदू धर्म के आसरा तुरकन ते जो विनाश, हे गुरु गोविंद सिंह महाराज थोड़े चरणा ते भी नमस्कार कर, गुरु साहब जी दे दस जामिया दे इकल्या इकल्या दी वंदना करते ने, नमस्कार करते ने, थोड़े चरणा ते नमस्कार करदा हाँ, क्योंकि तुसी हिंदू धर्म दे आसरा। वाकई साध संगत ये बड़ा सोहना किसे ने कहा कि भारत भारत देश ना होंदा जे गुरु दशमेश ना होंदा, इहदा ना कोई होर ही होना सी, कोई अफगानिस्तान वर्गा, कोई पाकिस्तान वर्गा, इस रुड़दी हुई हिंदुस्तान दी हिंदू धर्म दी बेड़ी नूं बचाण वाला अगर मर्दा गमड़ा कोई इस भारत वर्ष विच आया है
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲਾਏ ਜਾਤੀ ਹੋਵਤ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪਕ ਜਾਤੇ ਧਰਮ ਧਸਕ ਜਾਤੇ ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੋਹਰਾ ਦੇਹੋਰਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਨ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਨਾ ਵੱਜਦੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮਿਨਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਸਨ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਨੇਊ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੇ ਆਸਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ। ਆਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇ, ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਬਾਂਹ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੋਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਏ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਕੇ ਆਸਰਾ ਤੁਰਕਨ ਤੇਜ਼ ਬਿਨਾਸ਼। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਜਿਹਾ 1 ਇੰਚ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਲੇਲਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਲੇਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਐ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰੂ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਲੇਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਹੈ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਜਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਬਾਗ ਨਖੀ ਚੁੱਕੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਟਾਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਲੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ ਪਰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਈਫ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਝੂ ਝੂਮਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਹਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਈ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਕਦੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਰਾ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ
हिंदू धर्म के आसरा तुरकां दा तेज हंकार नाश करन वाले तुरकन तेज विनाश श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नमो चरण के पास। महाराज मैं थोड़े चरण कमलां दे कोल अपना शीश रख के नमस्कार करदा हां। निशानी छंद राम कोरे भाई कथा बरनंत सुनावे। बाबा बुड्ढा जी दे कुल दे महान कुल रोशन भाई राम कोर जी महाराज जिया दी कथा सुना रहे हन। सुनहै सिंह चित चौंप सो मन मोद उपावे। आप सारे चा नाल सुनदे हो ना महाराज दी हाजरी भरदे हो इस तरह गुरु के सिख गुरु के सिंह सूरमे बड़े चा नाल सुनदे हन ते मन विच बहुत आनंद पैदा हुंदा है। तृप्त ना होए चित रुच बद है पूजत मन ओरं। और मन जिहड़ा ना तृप्त नहीं हुंदा। भाई राम कौर जी समाप्त करन लगदे हन ते सिख बेनती करदे ने नहीं बाबा जी एक कथा होर सुना दिओ एक कथा होर सुना दिओ। वाकई मन रजदा नहीं। मैनू बड़िया संगतां दे प्रेम भरे सदे फोन आ जाते हैं वो कहते हैं जी एक घंटा समा थोड़ा है दो घंटे करया कर। मैं कह पहली गल तो शरीर इन्ना इजाजत नहीं देता इन्ना हो नहीं सकता तो दूजी गल ये है कि जे दो घंटे कर भी लिया ना तुहाडा मन फिर भी तृप्त नहीं होना तुसी कहना चार घंटे करया करो। कहते हाँ गल तो यही है पता ही नहीं चलता समा कदों लंघ जाता है। जदों कोई दुख नाल भरिया होवे एक एक पल लंघना औखा है तो जदों कोई आनंद नाल भरिया होवे सारा समा लंघ जाता पता ही नहीं चलता पर संता बन जाती है। इस तरह महाराज जी ने सिख बाबा राम कौर जी नूं कहंदे ने भाई राम कौर जी नूं भई होर एक कथा सुना देवो। श्री हर गोबिंद की कथा सूरन सिर मोरं। आज तक जितने सूरमे महाबली तनुरतार योधे महान हुए हन उन सारयां दे सिरमौर योधे सिरमौर तनुरतार सिरमौर सूरमे अगर कोई है न ता गुरु हरगोबिंद साहिब जी हन। असन अचव मंदर थिरे सतगुर जिस काला। महाराज सच्चे पातशाह भाई साहब जी ने पहले दस गुरु जामिया का मंगला चरण किया है उन्होंने नमस्कार की है तो हुण छेवें जामे की कथा फिर प्रारंभ करते हैं। कहते जिस वेले भोजन करन लई महाराज अपने महल च बिराजे हुए सन। मरवाही अरनान की टिक सेव विसाला। ते तन तन माता मरवाही जी तन तन माता नानकी जी महाराज जी दी वड्डी सेवा कर रही हन। पूजत पीरण बारता किम भदे बखेरा। महाराज सच्चे पातशाह नू दोवे गुरु के महल श्री मात नानकी साहेबा श्री मात मरवाही साहेबा आखण लगे स्वामी जी ये जड़ा जंग होया जिस विच 35,000 शाहजहानी सेना मारी गई है महाराज ये झगड़ा वध्या कारण की सी। जिस ते लश्कर साहो को चढ़ आए बडेरा। जिस कारण करके बादशाह दा वड्डा लश्कर सेना चढ़ आई। सुन गुर उचर प्रसंग सब तिन को समझावा। महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप सारा प्रसंग अपने दोहां महलां नूं समझाया। विधी चांद बुद्धवान बड है तह ते लियावा। आखण लगे दरअसल मरवाही जी नानकी जी साडा एक बहादुर सिख है विधी चंद ते बड़ा बुद्धिमान है ओ जाके घोड़े उथों लै आया। शाहजहां के प्रेहुते रह बन कर कासी। उस वेले दोवें घोड़े जिन्हां दा नाम गुलबाग दिलबाग से सुहेला ते जान भाई ओ शाहजहान दे बड़े प्रिय घोड़े बन गए सन। साडी संगत कोलों खोए हुए सन साडे संगत कोलों लुट ले सन
ते बहादुर बिधी चंद काही दा रूप बना के घात लाए सेवा करत के तक दिन पासी। कई दिन बहादुर बिधी चंद सेवा करता रहे ते इस तरह उते काही बन के दुर्ग दीवार फंदाए कर ले आए तुरंगा। फिर एक दिन रात नू किले दी दीवार सलांग लगवा के ते एक घोड़ा साडे कोल ले आंदा। उन दूसर के हित गयो बहुत चतुर निसंगा। फिर एक ते ही नहीं रुकया दूजा घोड़ा भी लैन चला के ते बड़ा सियाणा और बड़ा महान सिख है। ओ जी बन सब देखते दीवार फंदायो। पहली बारी काई बन के गया दूजी बारी खोजी ज्योतिषी बन के गया ते सब नू अंदर बंद करके सब दे वेखद्यां वेखद्यां फिर दूजा घोड़ा भी दीवार तो छलांग मरवा ली। इम दोनों है गए लख चित साहो रिसायो। इस तरह दोवें घोड़े ही जद बिधी चंद ले आया ते दस भी आया भाई पहला घोड़ा भी मैं ही लै गया होर कोई नहीं सी दूजा भी मैं ही लैके जा रहा ते पहला घोड़ा भी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल भाई रूपे पहुँचा के आया ते दूजा घोड़ा भी उत्थे ही लैके जा रहा। मेरा नाम बिधी चंद है ते मेरा स्वामी गुरु हरगोबिंद साहब है। उन्होंने सारा दस भी दिता लश्कर भेजो अदक ही बड़ भई लड़ाई। फिर बादशाह ने वड्डी सेना भेजी बड़ा जंग होया। तुरका ना वो खप गयो हवै कै समहाई। और साढ़े सामने आके तुरकाना सारा खप गया भाव तुरक सेना जंग च मारी गई। सुन बिसमानी नानकी अस चोर बिसाला। धन धन मात नानकी जी बड़े विस्मादत होए आखन लगे इस तरह का जेड़ा वड्डा चोर है। सुनयो बिलो क्यों कब नहीं किए कर्म कराला। ओ जा चोरी करन वाला ता ना सुनया ना देखया ए ता बड़ा भयानक काम किता उना दुश्मना लई। साहो हयन नर गण पिखत राखे सब दाना। सारे बादशाह दे बंदियां दे वेखदियां होया ते सावधान पहरे ते खड़िया सब को छल कर पूरी तेले आए कि काना। सारिया नु छल के ते किले चो घोड़े ले आया। लोक हजारों बीच ते कारज कर आवा। हजारां लोकां दे सामने माता नानकी जी कहन लगे भई मन में समादत हो रहा है घोड़े ले आया बिधी चंद। कर चोरी पुन टिग गयो नाहिन डर पावा। एक बारी घोड़ा चुरा के ले आया ते दोबारे फिर चला गया डरिया ही नहीं। वो केड़ा सिख है। इस तरह फिर महाराज सच्चे पातशाह अपने सिख की वड्याई सुनाते। गुरु की वड्याई तो सिख करता ही है। सच जानना ये दुनिया ते होर नहीं होया गुरु नानक दे घर होया। गुरु भी अपने सिख की वड्याई करता पर हुण इस वेले समय का तकाजा है। बाकी विचार कल आप सरवण करोगे। बड़िया वड्डिया वड्डिया शख्सियतां महाराज जी दे घर हाजरियां भर रही हैं। तखत साहब जी दे मुख सेवादार जथेदार अवतार सिंह जी हित जनरल सकत्तर भाई इंद्रजीत सिंह जी टाटा नगर वाले और मीडिया इंचार्ज भाई सुदीप सिंह जी और बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बीबी रणजीत कौर जी अते होर महान शख्सियत महाराज जी दे पावन तखत दियां हाजरियां भर रही हैं। गुरु साहिब सारियां दियां हाजरियां अपने दर घर विखे प्रवान करन दरों करो मेरा नाल निवाजन। आओ सारे रल के दो मिनट महामंत्र गुरमंत्र दे जाप करिए फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। कोई रसना वांझी ना रह जाए। वाहे गुरु 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 वा
वाहिगुरु जी की फतेह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी के चरण कमलों का कोटान कोट रोम रोम शुकराना है। आप जी ने मेहर नाल निवाजिया गुरुदेव जी और समूह संगतां दियां हाजरियां अपने घर विखे प्रवान करो दरों करों हर प्रकार दियां बरकतां खेड़िया नाल निवाजो। जो जी आप जी के घर आवे सो राजी जावे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत का पला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम सत।